बर्फबारी तो रात खत्म हो चुकी है, अभी धूप निकल रही है, लेकिन इन दरख्तों से अगर आप देखें अस्सलाम वालेकुम। अस्तोर का टूर हम कंप्लीट करके वापस आ चुके हैं, अब नीचे उतर चुके हैं। यहाँ पे कराक्रम हाईवे पे अस्तोर मोड़ पे हम मौजूद हैं। तो अब हम आगे जाएंगे और आपको ले जाएंगे अभी फेरी मेडोज और ब्याल कैंप। तो इस तरफ जाएंगे हम, ये कराक्रम हाईवे से जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टर्न करेंगे और जाएंगे सामने नानगाय पर्वत का व्यू भी नज़र आ रहा है इस वक्त, लेकिन बादल भी जो है बन रहे हैं, बारिश का चांस भी हो रहा है। तो ये कराक्रम हाईवे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है गिलगित को चली जाती है, लेकिन हम जो है यहाँ पे राइट हैंड साइड की तरफ गिलगित की तरफ चली जाती है, हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इधर इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। और हमारा जो ये गुड बाय अस्तोर या लाइट बैंक का एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे गुड बाय अस्तोर लिखा हुआ है। तो ट्रैक का फासला इस तरह है कि 28 किलोमीटर का फासला जो है हम करेंगे, मतलब बाइक पे या फिर 4x4 जीप पे करेंगे। 28 किलोमीटर के बाद 6 किलोमीटर वो ट्रैक है, फिर हम जाके फेरी मेडोज पहुँचेंगे, फेरी मेडोज से 5 किलोमीटर आगे फिर ब्याल कैंप है, फिर हम जो है वहाँ पे जाएंगे। तो सबसे पहले अब हम जो है ना इस कराक्रम हाईवे पे तकरीबन 16 किलोमीटर का फासला तय करके रायकोट ब्रिज पे पहुँचेंगे। रायकोट ब्रिज पे फिर जो है ना वहाँ से हलवाल करेंगे कि आया के जो है सामने अगर आप देखें तो रायकोट ब्रिज भी नज़र आ रहा है। तो फिर रायकोट ब्रिज पे वहाँ पे जो जीप ऊपर जाते हैं, आगे जीप ट्रैक है क्योंकि आगे जो है आप अपनी गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं। अगर इवन आपके पास अगर 4x4 गाड़ी है, आप 4x4 गाड़ी पे भी आते हैं तब भी आप आगे नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि एक तो ये रोड जो है यहाँ के लोग मेंटेन रखते हैं, ये किसी भी 4x4 गाड़ी को आगे जाने की इजाज़त नहीं देते हैं। हाँ आप जो है अपना बाइक लेके जो है आगे जा सकते हैं, लेकिन बाइक ले जाने के लिए हम वहाँ से पहले पता करेंगे, जो जीप आगे जाती हैं उनसे थोड़ा सा हालवाल करेंगे कि आया कि हम बाइक लेके जा सकते हैं ऊपर या नहीं, ट्रैक कैसा है, क्योंकि ये जो आगे ट्रैक है ये इंतहाई जो है 12 किलोमीटर का आगे जो ट्रैक है जीप ट्रैक, वो बड़ा ही ख़राब ट्रैक है, बहुत ही महारत चाहिए होता है वहाँ पे, तंग रोड है, एक तरफ पहाड़ है एक तरफ खाई है। तो अब रायकोट ब्रिज पे हम पहुँच चुके हैं, तो आप जब आएंगे इस्लामाबाद से तो यहाँ पे जो आपको जो गाड़ी है अपनी वो पार्क करनी पड़ेगी। सीधे हाथ में मेरे देखें तो कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये लोग ऊपर गए हैं अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क करके, हम आगे से जीप वाले ये जो सामने खड़े हैं इनसे हलवल करते हैं, इनसे तफसील पूछते हैं और फिर जो है ना डिसाइड करेंगे कि हम अपने मोटरसाइकिल को ले जाएं या यहाँ से जीप हायर करें। तो इनसे हमने बड़े तफसील के साथ हलवल लिया है, तो ये कह रहे हैं कि आगे जो है रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, पत्थर हैं, लूज़ पत्थर हैं, चढ़ाई भी है तो बाइक स्लिप हो सकती है, तो बेहतर ये है कि जीप पे जाया जाए। तो हमने भी यही डिसाइड किया कि हम जो है अपनी ये जो मोटरसाइकिल है इसको यहाँ पार्किंग में पार्क करते हैं और यहाँ से जीप करके फिर आगे चलते हैं। जीप का किराया मैं आपको बताऊँगा जब हम जीप कोई हायर करेंगे तो उस वक्त बताऊँगा जीप का किराया। अगर आप अकेले आते हैं यहाँ पे तो फिर आपको किसी ग्रुप के साथ आगे जाना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लोग या 3 लोग आ जाते हैं तो उनके साथ मिलके भी आप जा सकते हैं आगे। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, वहाँ जो पार्किंग था पार्किंग से फिर हम जो है वापस आके यहाँ से किसी जीप वाले के साथ जाएंगे। तो पीछे चलते हैं, यहाँ पे रायकोट ब्रिज तक पहुँचने के लिए आप मेरे जो वीडियो है इस्लामाबाद से इस्कर्दू या इस्लामाबाद से खुंजरा वो देख के यहाँ रायकोट ब्रिज तक बआसानी आप पहुँच सकते हैं। इससे आगे फिर ये वाली वीडियो जो आज मैं बनाऊंगा ये आपको काम देगी, जहाँ पे जो है पार्किंग में मोटरसाइकिल को खड़ी करते हैं और फिर जो है जीप के साथ अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो जीप हमने एक हायर कर लिया है, वहाँ जो है जीप वहाँ से लेकर आए हैं, वहाँ पीछे पार्क की मोटरसाइकिल, वहाँ से जीप लिया। अब जो है हम ये इंतहाई जो लेफ्ट साइड की तरफ से एक कच्चा ट्रैक निकल रहा है वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर एक मालूमती बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि वर्ल्ड टॉप 10th टूरिस्ट डेस्टिनेशन ब्याल कैंप, फेरी मेडोज, नानगाय पर्वत और तत्व विलेज। नीचे जो कराक्रम हाईवे है ये आगे चिलास को जाती है, चिलास यहाँ से आगे 60 किलोमीटर का फासला है। तो हम जो हमारा जो डेस्टिनेशन है अब वो ब्याल कैंप है। पहले तो फेरी मेडोज जाएंगे, फेरी मेडोज से फिर देखेंगे टाइम क्या होता है, वहाँ से डिसाइड करेंगे कि ब्याल कैंप जाएँ या फिर अगले दिन जाएँ ना। तो एक तो तत्व विलेज लिखा हुआ था, तत्व विलेज जो है इससे थोड़ा सा आगे जीप पॉइंट है या फेरी पॉइंट है, वहाँ पे ये जीप सारे जाके रुक जाते हैं। वहाँ से आगे फिर 5 से 6 किलोमीटर फेरी मेडोज तक ट्रैक करना पड़ता है, फिर फेरी मेडोज पहुँच कर वहाँ से फिर आगे 4 से 5 किलोमीटर ब्याल कैंप का ट्रैक करना पड़ता है।
तत्तो विलेज जो है बेसिकली तत्तो के मानी गरम गरम के हैं, गरम पानी वहाँ से एक चश्मा निकलती है, इसीलिए उसका नाम जो है यही, इसीलिए इस गांव का नाम जो है तत्तो विलेज पड़ा है। तो रोड आप खुद देख रहे हैं कि एक तरफ ऊंचे पहाड़ हैं और दूसरी तरफ जो है इंतहाई खाई है, तंग रोड है, एक जीप को रोकना पड़ता है, दूसरी जीप को गुजरना पड़ता है। और कई कई जगह पे ऐसा भी होता है कि आपका जीप जो आगे पीछे आ जाते हैं तो एक जीप को जो है बड़े रिवर्स में भी जाना पड़ता है, और कहीं पे जाके उसको कोई जगह मिलती है तो वहाँ पे रुकते हैं तो फिर दूसरा जीप जो है क्रॉस होती है। तो यहाँ पे लापरवाही की कोई भी गुंजाइश नहीं है, आप जो है ना बिल्कुल लागू ने थोड़ी सी लापरवाही की तो नीचे खाई में जाके गिर जाएंगे, और इंतहाई ज़्यादा जो है ना नीचे खाई है, यहाँ पे महारत की ज़रूरत है। और मौसम जो है अब ऐसा हो चुका है कि बारिश भी आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, मौसम इंतहाई जो है सख्त जल्दी जो है वो चेंज हो चुकी है। तो पीछे हमारी जो गाड़ी थी वो ख़राब हो चुकी थी, हमने दूसरी गाड़ी पे अब आज जा रहे हैं। तो अब ये तो ये जीप पॉइंट या फेरी पॉइंट पहुंच गया है, अब हम यहाँ से इसको जो है गाड़ी को यहाँ पे पार्क करेंगे और फिर जो है पैदल अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। तो जीप अब हमने जो है अपनी पार्क कर ली है, इस पॉइंट को फेरी पॉइंट भी कहते हैं और जीप पॉइंट भी कहते हैं। ये वहाँ पे जाके जीप सारे आके वहाँ पे रुक जाते हैं, हमारी जीप भी वहीं पे पार्क हो गई है। फिर इस ब्रिज को क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना पड़ता है और आगे 6 किलोमीटर का फासला है। फिर ये थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एक होटल भी मौजूद है, वहाँ पे आप रात को रह भी सकते हैं, खाना वगैरह भी खा सकते हैं, चाय वगैरह का भी इंतज़ाम है। लेकिन लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं क्योंकि सारे लोग आते हैं आगे 6 किलोमीटर आगे फेरी मेडल्स जाने के लिए, तो यहाँ फेरी पॉइंट में क्यों रुकेंगे। तो हम भी जाके ऊपर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा रिफ्रेश होंगे, चाय पियेंगे और फिर जो है आगे अपने सफ़र को बढ़ाएंगे। वहाँ ऊपर हमने जाना है 6 किलोमीटर पहाड़, मतलब पूरा आपने चढ़ना होता है, तो इसीलिए स्टेमिना जो है आपका बहाल होना भी ज़रूरी है। और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे जब तक, अच्छा है कि ये बारिश भी थोड़ा सा जो है ना वो रुक जाए, क्योंकि आगे घोड़े आते जाते हैं जिसकी वजह से ट्रैक जो है वो ख़राब भी होता है, फिसलने के भी चांस होते हैं, बड़ा ही ख़तरनाक ट्रैक है आगे, आप खुद देखेंगे। तो बारिश में जो है वो ठीक नहीं है, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो ये वो होटल है फेरी पॉइंट का, तो यहाँ पे हमने जो है थोड़ा सा रिफ़्रेश हो गए हैं, अंदर गए थे, चाय वगैरह पी है, अब बाहर आ गए हैं, तो अब आगे सफ़र को बढ़ाते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे ये घोड़े हैं, यहाँ पे आप घोड़े कर सकते हैं। ये देखें सामान भी लोगों का पड़ा हुआ है, कुछ टूरिस्ट आए हैं तो उन्होंने जो है यहाँ पे अभी इस घोड़ों के ऊपर सामान लेके जाएंगे, 3,000 रुपये ये घोड़े जो है लेते हैं। तो हमारा सफ़र जारी है, ट्रैकिंग जारी है, आप जो है ना देख रहे हैं ट्रैक को भी देखते हुए जा रहे हैं कि कितना सा पतला सा एक ट्रैक है। जब इस पे घोड़े पे आप चढ़ेंगे तो और आपको डर लगेगा कि घोड़ा पाँव किधर रखेगा, और स्लिप होके आप नीचे दरिया में भी जाके गिर सकते हैं, और इस वजह से तो बहुत ज़्यादा जो है ना डर भी लगता है इंसान को। तो अच्छा, एक और बात मैं आपको जो है वो बताता हुआ जाऊँ, एक तो मैं आखिर में जाके इसको पूरे को समेटूंगा भी सही, तो फिर कंक्लूड करूंगा, फिर आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें मैं बताता हुआ भी जाऊँगा आपको, कि यह है कि यहाँ पे आने के लिए आपको एक तो जीप का किराया मैं आपको बता दूँ, 14,100 रुपया इसका किराया है आने और जाने का, आपको लेकर भी जाएगा, जितने एक रात दो नाइट आपने यहाँ पे स्टे करना है तो आपने जीप वाले को बताना है, वो आपको जो है ना यहाँ पे स्टे करने के यहाँ पे ले आएगा, फिर 2 दिन बाद आपको जो है ना वो जीप वापस ले जाएगा। 14,100 आने और जाने दोनों साइड का किराया है। और दूसरी बात यह है कि आपने एक हाइकिंग स्टिक अपने साथ लाना है, और दूसरी बात यह है कि जॉगर वगैरह या ऐसे जूते पहन कर आएँ जो यहाँ पे जो है ना पानी में भी आपको काम दें। पीछे जो है ना बादलों का बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, और हम बहुत ऊपर हैं और बादल जो है ना बिल्कुल नीचे हैं, और ये बादल तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जो है आ रहे हैं। वहाँ जो फेरी पॉइंट था, वहाँ होटल में हमने 2 घंटे जो है ना रेस्ट किया था, रेस्ट नहीं किया था बल्कि इंतज़ार कर रहे थे कि बारिश रुक जाए तो फिर अपने सफ़र को आगे बढ़ाएं। तो अब बारिश कम्प्लीटली रुक चुकी है, तो जो है लेकिन बादल आ रहे हैं फिर भी। आप देखें ये सामने एक पॉइंट है जहाँ पे आप रुक सकते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना सांस को बहाल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको पानी भी मिलेगा, यहाँ पे आपको खाने पीने की चीज़ें भी मिलेंगी। तो यहाँ पे रेस्ट करके उसके बाद अपने सफ़र को फिर आप आगे जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो आप आराम आराम से आएँ। ये जो बादल थे देखें पीछे, वो बिल्कुल अब हमारे करीब आ चुके हैं, और एक दो फिर जो है बारिश के फुल चांस हैं कि अब बारिश किसी भी टाइम हो सकती है। तो हमारी भी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी जो है ऊपर की तरफ जाएं, पहले से 2 घंटे हमारे बारिश ने ज़ाया करवाए हैं, तो अब मज़ीद ज़ाया ना हो ताकि हम जो है जल्दी से जल्दी जाके फेरी मेडोज पॉइंट तक पहुंच जाएं। टाइम जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ाया, इस मौसम की कोई एतबार नहीं है यहाँ पे, मौसम वो सामने एक आबशार भी आ रही है, अगर बादल
पता नहीं आपको सही नज़ारा लग रहा है या नहीं लग रहा है, लेकिन बड़ा खूबसूरत जो है ना ये नज़ारा, ये बादलों ने पूरा जो है ना अल्लाह पाक का कुदरत जो है यहाँ पे अभी ये जो शाहकार हैं सारे कुदरत के वो सारे मिल के इस पूरे जो है मंज़र है उसको बड़ा बेहतरीन मंज़र बना रहे हैं। तो आपने छतरी भी साथ लाना है, रेनकोट भी साथ लाना है, जूते ऐसे पहनने हैं कि बारिश में या कीचड़ में वो फिसले नहीं और उनका ग्रिप जो है वो बहुत मजबूत हो। अभी बादल मुकम्मल तौर पर यहाँ पे आ चुके हैं, ऐसे लग रहा है कि हम बादलों के अंदर से चल रहे हैं, तो चारों तरफ बादल ही बादल हैं। तो इतना हाइट, एक तो हाइट पे बहुत ज़्यादा हाइट पे हम आ चुके हैं, अब बिल्कुल हम फेरी मेडोज़ के पास हैं, बस थोड़ा सा आगे मिड पॉइंट आएगा, फिर उससे आगे जो है हम पहुँचेंगे फेरी मेडोज़। तो देखें आप, चारों तरफ बादल ही बादल हैं, वो बादल जो नीचे से आए हैं ऊपर की तरफ उन्होंने चारों तरफ से अब जो है हमें घेरे में ले लिया है। और बादल चोटियां जो हैं आप सामने देखें, पहाड़ों की चोटियां वो बिल्कुल गुम हैं बादलों के अंदर, बल्कि बादल तो बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, पहाड़ चोटी क्या पहाड़ों का निचला हिस्सा भी जो है बादलों में बिल्कुल गुम है, दरख्त भी जो है ना बादलों के अंदर हैं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त सीन है, लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे पास इतने अल्फाज अब मुझे समझ नहीं आ रहे हैं कि मैं इस पूरे मंजर कशी को कैसे जो है बयान करूँ। 1:15 हो चुका है हम जो है इस ट्रैक पे चल रहे हैं, सामने फिर मेरे ख्याल में एक टक शॉप है, इंतज़ार की यहाँ पे जो है ना यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा अपना सांस बहाल कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम चलते रहें। पिछले टक शॉप पे भी हम नहीं बैठे थे, अभी भी नहीं बैठेंगे, थोड़ी देर आगे हम जो है ना इससे आगे मिडवे पॉइंट पर पहुँचेंगे और फिर अपने सफ़र को जो है आगे बढ़ाएंगे। बेसिकली ये 3 लगता है फेरी पॉइंट से लेकर फेरी मेडोज़ पहुंचने तक, ये 5 से 6 किलोमीटर का फासला है, इसको 3 लगते हैं तय करने में। तो अब हम मिडवे जो है ना पहुंचने वाले हैं, सामने आप अगर देखें बोर्ड पे तो मिडवे होटल लिखा हुआ है। तो अब हम जो है ना फेरी पॉइंट से फेरी मेडोज़ तक, ये दोनों के बीच में पहुँच चुके हैं, ये बीच का पॉइंट है। तो यहाँ पे जो है हमारा इंतज़ार अशफाक भाई कर रहे हैं, अशफाक भाई के कुछ जो है ना फॉरनर टूरिस्ट भी आ रहे हैं, तो यहाँ से अशफाक भाई से जो है हम आगे होटल का पूछ के फिर हम आगे जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा अशफाक भाई के साथ पानी वगैरह चाय वगैरह पी के फिर अपने सफ़र को जो है आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो व्यर्ज ये वाला होटल था, यहाँ पे अंदर हम थोड़ा सा 15-20 रुके हैं, तो अशफाक भाई ने जो है हमें बताया है कि आगे जो है आप जाएं फेरी मेडोज़ में, होटल का नाम बताया है, वहाँ पे हम जाके रुकेंगे, क्योंकि हम अभी रात को जो है हमने अभी यहाँ पे ये डिसाइड किया है, क्योंकि टाइम अब मगरिब की तरफ जा रहा है, तो हम रात को फेरी मेडोज़ रहेंगे और सुबह सवेरे फिर जाएंगे आगे, क्योंकि अभी मौसम जो है बारिश किसी भी टाइम हो सकती है और यहाँ पर थोड़ा सा जो है 11-12 के बाद वैसे माइनस में टेम्परेचर जाएगा, तो ये बर्फ़बारी भी हो सकती है, तो इस वजह से बेहतर ये है कि फेरी मेडोज़ पे रुका जाए, वहाँ से फिर आगे। वैसे भी ये ट्रैक जो आप देख रहे हैं ये फेरी मेडोज़ तक तो बना हुआ है, इससे आगे फिर ये ट्रैक जो है वो बना हुआ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, बर्फ़ अभी जो है आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो रही है, वहाँ पे फिर रास्ते जो है क्लियर भी नहीं है बैल कैंप तक। तो रात को हम फिर वहीं पर फेरी मेडोज़ में रहेंगे, अगले दिन जो है वो फिर जाएंगे। अभी जो चश्मे हैं नदियाँ हैं वो आप देख रहे हैं, कैसे खूबसूरत खूबसूरत नदियाँ हैं, वहाँ ऊपर से जो है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, वहाँ से जो है ना ये पानी आ रही है, ये पानी अभी भी थोड़ा सा कम है, जब आप आएंगे तो और ज़्यादा जो है ना ये पानी आ रहा होगा और बेहतरीन सीन जो है ना ये पेश कर रहा होगा। यहाँ पे इस तरह के जो है ना दरख्त के टुकड़े डाल के इनके ऊपर एक छोटे से पुल बनाए हुए हैं कि आप गुजर सकें, और माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त जो है ना ये सारा नज़ारा है। बारिश अब दोबारा शुरू हो चुकी है, आहिस्ता आहिस्ता बारिश हो रही है, हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द फेरी मेडोज़ तक पहुँच जाएँ, लेकिन बारिश जो है थोड़ा सा जो है ना डिस्टर्बेंस तो आपके लिए कर सकती है, इसलिए मैंने आपको पहले से बताया था कि आपने छतरी, रेनकोट और जूते ऐसे पहनने हैं जो बारिश में आपको काम दे सकें, जिनमें बारिश का पानी अंदर ना जा सके। और बादल ही बादल हैं चारों तरफ जो है ना बादल हैं, और ये पूरा जो नज़ारा है, पहाड़ तो वैसे भी अब ढक चुके हैं, पहले कुछ ना कुछ नज़र आ रहे थे, लेकिन अब पहाड़ जो है मुकम्मल तौर पर छुप गए हैं बादलों के अंदर, और हम भी जो है बादलों के अंदर जो है ना वो जा रहे हैं। बस अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फेरी मेडोज़ पहुंच जाएंगे, 7:30 जो है हमारा टारगेट है कि हम फेरी मेडोज़ तक पहुंच जाएं। अभी 15-20 जो है वो रहते हैं, 7:30 बज रहे हैं, तो 7:30 तक हम वहाँ पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। एक और नदी है, ये भी बड़ी खूबसूरत और प्यारा जो है ना मंजर कशी कर रहा है यहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है जब इस तरह की नदियों के पास से आप गुजरते हैं।
अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब आप इस्लामाबाद से आते हैं तो रात जो है ना कोशिश करें कि चिलास में रहें, चिलास से आप सुबह सवेरे 7 बजे निकलें तो 8-8:30 बजे तक आप रायकोट ब्रिज पहुंचेंगे, फिर 8-9 बजे जीप लेके यहाँ ऊपर आ जाएं। जब आपके पास टाइम होगा, पूरा दिन होगा, तो इस नज़ारों को आप बड़े खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से, तमाम नज़ारों से के साथ इंजॉय करते हुए आएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, अपने अपने आप को जो है ना फ्रेश करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा होगा। ये वो घोड़े वाले हैं फेरी पॉइंट पे, मैंने आपको दिखाया था कि इनका सामान जो है वो रखा हुआ था, ये सारी चीज़ें जो है अभी ये लोग आकर पहुँचे हैं, काफ़ी देर आके बाद पहुँचे हैं, तो हमारा स्पीड माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त था, इस वजह से हम बहुत जल्दी आ गए हैं। ये घोड़ों पे होने के बावजूद जो है इतने देर से आए हैं, तो बारिश भी है, बहरहाल ट्रैक भी बड़ा ख़राब है, कीचड़ ही कीचड़ है, आप खुद भी देख रहे हैं कि अभी हम फेरी मेडोज तकरीबन जो है वो पहुंच चुके हैं। आप बोर्ड्स देख रहे हैं, कुछ होटलों के बोर्ड आगे की तरफ लगे हुए हैं और कुछ होटलों के जो निशान हैं वो इस तरफ लगे हुए हैं। यहाँ पे एसकॉम और जैस सिम ये दोनों काम करते हैं, तो एसकॉम बेहतर है कि जब भी आप नॉर्थ में आएँ तो एसकॉम सिम लें, ताकि आप जो है आपका नेटवर्क बहाल हो यहाँ पे। तो हमारा जो होटल है वो इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो ट्रैक जा रही है, यहाँ से आगे है रेम्बो हाइट, रेम्बो रिजॉर्ट्स मुझे बताया था उसका नाम अशफाक भाई ने, तो वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ पे जो है आज रात रेस्ट करेंगे। ये मंज़र बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा मंज़र है, सुबह मैं आपको दिखाऊँगा। ये जो चरागाह है फेरी मेडोज़ है, ये तो जन्नत ही जन्नत है, सुबह मैं आपको यहाँ पे खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगा। तो अब मैं थक भी चुका हूँ और ये हमारा होटल है, तो यहाँ पे अब मैं जो हूँ इनके डायरेक्ट जो है ना वो किचन में जाऊँगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, इतना ही ज़्यादा सर्दी है और कुछ कुछ जो है ना हम लोग गीले भी हो चुके हैं, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और अपने आप जिस्म को थोड़ा सा दर्जा हरारत को जो है ना मेंटेन करते हैं, और फिर जो है ना सुबह इंशाल्लाह ताला यहीं से आपको मैं भ्याल कैंप ले जाऊंगा और ख़ूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगा। तो ये जो है किचन है इस होटल का, तो अब मैं जो हूँ खाना भी खाऊंगा यहाँ पे और कुछ चाय भी पियेंगे, दर्जा हरारत जिस्म के बराबर करके फिर सुबह आपसे मुलाकात होती है। तो अगली सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और यहाँ पर रात जो है ना बहुत सख्त बारिश हुई है, बारिश के बाद फिर लेट नाइट बर्फबारी भी हुई है। अभी आप देख सकते हैं कि छतों के ऊपर भी बर्फ़ पड़ी हुई है, नीचे भी बर्फ़ है, तो ये जो घोड़े हैं ये भी आप देख रहे हैं तो कैसे यहाँ पे चर रहे हैं, बादलों का खूबसूरत नज़ारा है। ये किचन था जिसमें हमने रात जो है अपना जो चाय पी, बिस्किट, अपना खाना खाया, और अभी भी यहाँ पर आग जो है वो जलाई जा रही है, और मौसम जो है बहुत ठंड है। सामने जो है हमारा कमरा था, और बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे होटल्स हैं, बड़ा ही खूबसूरत जो है ना ये जन्नत नज़ीर, वाकई ही फेरी मेडोज़ को जन्नत इसीलिए कहे जाते हैं कि यहाँ पे आप नज़ारे देखें तो कितने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं, बादल देखें, बर्फ़ पोश चोटियाँ देखें, और यहाँ पे जो लकड़ी के घर बने हुए हैं इनको देखें, कैसा खूबसूरत सारे नज़ारे हैं। तो एक ग्राउंड व्यू आपको देते हैं और फिर इसके बाद हम ब्याल कैंप की तरफ अपने ट्रैकिंग को आगे बढ़ाते हैं। बर्फ़ भी है कि पता नहीं ट्रैक ठीक भी है या नहीं, लेट्स सी। तो व्यूअर्स, ब्याल का ट्रैक हम शुरू कर चुके हैं, सामने हमारा होटल था तो वहाँ से आए हैं, इस तरफ जाना है सामने, रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, कीचड़ है, तो देखते हैं जहाँ तक जा सके हैं। मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता आपसे कि आखिर तक हम जा सकेंगे, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई है और बर्फ़बारी भी हुई है, तो जहाँ तक जा सके, जहाँ तक ठीक हुआ रास्ता वहाँ तक जाएंगे इंशाल्लाह। नज़ारे माशाल्लाह चारों तरफ से इतना ही खूबसूरत हैं, बर्फ़ ने जो है ना रात एक चादर जो है इन दरख्तों को ओढ़ ली है, इन दरख्तों ने चादर जो है बर्फ़ की ओढ़ ली है, और ट्रैक जो है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरफ है, रास्ता हम भूल गए तो फिर भटक जाएंगे। यहाँ पे कोई भी नहीं है जिससे हम पूछ सकें कि ब्याल की तरफ कौन सा रास्ता जाता है। तो खैर, थोड़ा थोड़ा जहाँ पे कुछ आसार नज़र आ रहे हैं घोड़ों के चलने के या इंसानों के चलने के, उसके लेते हुए हम जा रहे हैं। बर्फ़बारी तो रात ख़त्म हो चुकी है, अभी धूप निकल गई है,
लेकिन इन दरख्तों से अगर आप देखें तो बर्फ़ जो है वो गिर रही है। इन दरख्तों के ऊपर बर्फ़ है वो अब नीचे गिर रही है, तो समझें कि अब दरख्तों से बर्फ़बारी हो रही है। ओए होए व्यूअर, सामने नज़ारा देखें किलर माउंटेन का, नानगाय पर्वत का। वाह, फुल धूप पड़ी हुई है। तो हम कल से दुआ कर रहे थे और आपने भी दुआ की होगी, जिसकी वजह से आज धूप निकली है और हमें ये खूबसूरत सा नज़ारा जो है वो मिल रहा है। और ये जो पहाड़ों का मुर्शिद है, इसका दीदार जो है आज हम करेंगे। वाह व्हाट अ सीन, दिल तो कर रहा है कि यहीं पे बैठ के बस इसको बंदा जो है देखता रहे। असल में बिहार कैंप में भी जब आप जाते हैं तो यहाँ पे भी नानगाय पर्वत नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप थोड़ा सा उसके मज़ीद करीब हो जाते हैं। तो रास्ता कहाँ से, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। यहाँ से जाएं या ये जो है ना लकड़ी का ब्रिज क्रॉस करके, पुल थोड़ा सा जो बना हुआ है ये क्रॉस करके उस तरफ से जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ट्रैक मुकम्मल तौर पे बर्फ़ के अंदर है। तो अब जो है हम यहाँ पे रुक के ड्रोन को भेजते हैं और इस मुर्शिद का जो है ब्याल कैंप से आपको जो है वो नज़ारा इन दरख्तों के बैक साइड से दिखाते हैं, जहाँ पर बिल्कुल आप इसके सामने होते हैं। तो इस किलर माउंटेन के अब खूबसूरत नज़ारे आप देखें, नवा बड़ा पहाड़ है ये, किलर माउंटेन इसको कहते हैं। जो भी इसको सर करने की कोशिश करता है, 72 जिंदगियां जो है ये इंसानों की निकल गया है। तो यहाँ नीचे हम खड़े हैं इस वक्त, यहाँ से जो है आपको दिखा रहे हैं सामने ब्याल कैंप के नज़ारे, और सामने जो पानी जो भी आ रही है यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और सामने आप खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं। व्यूअर्स, यहाँ फेरी मेडोज से अब मैं लूँगा आपसे इजाज़त, और एक खूबसूरत नज़ारे के साथ अगर आप सामने देखें तो बादल जो है आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से आ रहे हैं। तो इससे पहले कि मौसम ज़्यादा ख़राब हो और हमारा सफ़र जो है डिस्टर्ब हो, तो हम अब निकलते हैं, वापसी का सफ़र करते हैं अपना नारायण कागान के टूर के लिए। आगे बढ़ते हैं बाबूसर टॉप की तरफ। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द नई वीडियो के साथ अपनी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।